हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्श इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, चैप्टर 3, क्लास 12, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। मिलियंस ऑफ ईयर हैव पास्ड सिंस द ह्यूमन रिमाइंड ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इन दिस लॉन्ग पीरियड ह्यूमन हैव लर्न टू मेक एडजस्टमेंट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी मानव प्रकृति और वातावरण के साथ, मानव ने प्रकृति और वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया है, यानी उसने काफ़ी एडजस्टमेंट करना सीख लिया है। ह्यूमन हैज लर्न टू मेक एडजस्टमेंट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और मानव ने तकनीकी विकास के साथ आज बहुत सारा परिवर्तन किया और तीव्र गति से उसमें चेंजेस लेके आए। ह्यूमन हैव मेड रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और प्रकृति के अंदर उसने बहुत सारे बदलाव किए हैं, और ये बदलाव किससे किए? टेक्नोलॉजी से। अभी उस दिन में मैंने आपको बताया कि पहले मानव पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर था, और अब धीरे धीरे मानव प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो वो AC बना लिए, कूलर बनवा लिए, है ना, ठंड हो गई तो हीटर बन गए, गर्म पानी के गीज़र, ये सब कुछ क्या है, तीव्र गति से दौड़ने वाले वाहन आ गए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आ गई, एज वेल एज एडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट अलोंग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी बहुत सारे तकनीकी विकास ने मानव की जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव किया है। देयर आर स्टिल सम एरियाज इन द वर्ल्ड इन विच मैनी ट्राइब्स आर लिविंग देयर लाइफ प्राइमरिली, यानी कि ये प्राइमरीली बहुत सारी ट्राइब्स है जो भिन्न भिन्न एरियाज में रह रही है। जैसे एस्किमो हो गई, है ना, ये ठंडे और कोलर एरिया में, कोल्ड एरिया में रहते हैं, पोलर कोल्ड एरियाज में, जहाँ एस्किमो, सेमियोड, याकूत, ठीक है, इक्वेटर लीनियर इसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर पिग्मी, सेमांग, सकाई, उष्ण, ये रेजिडेंस ऑफ हॉट एंड ड्राई, कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन, ठीक है, ये ट्रॉपिकल ग्रास एरिया के अंदर मसाई, बद्दू, और सम शीतोष्ण घास कटिबंध, यानी सम ये ग्रास एरिया जो है इसमें खिरगीज और ऐसी, और दुर्गम पहाड़ी एरिया में, यानी जो हिल्स एरिया है, है ना, इन एक्सेसिबल जो हिलीज एरिया है उसके अंदर जो जाति रहती है वो गोंड है, भील है, है ना, संथाल है, मीना है, नागा है, और बहुत सारी अदर ट्राइब्स है जो कि इन एरियाज में रहती है। अब देखो, ये जो ट्राइब्स है ये क्या करती है, हंटिंग करती है, ठीक है, फिशिंग करती है, स्टोरेज करती है, और इस तरीके से अपना जीवन यापन करती है शिकार करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनजातियाँ अपना जीवन यापन करती है। ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती, ये अपना मतलब नियम कायदे कानून ये खुद अपने बनाते हैं। और दीज टाइप्स ऑफ ट्राइब रीलैंड एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, जैसे हिलीज एरिया, ठीक है, और डेजर्ट एरिया, ड्राई और हॉट डेजर्ट एरिया, ग्रासलैंड एरिया, और ये फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, कोल्ड रीजनल एरिया, इनमें ये सबसे ज़्यादा रहते हैं। इन उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन न के बराबर हो, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ये सारी एक्टिविटी करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब आते हैं मेजर ट्राइब्स आती है ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट आती है पोलर एंड कोल्ड, है ना, रीजन, इसमें आता है एस्किमो एंड ये सेमियोड ट्राइब्स। फिर आती, सेकंड आता है रेजिडेंट्स ऑफ इक्वेटोरियल लीनियर फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, इसमें आता है पिग्मी, सेमियांग और सकाई। फिर आता है रेजिडेंट्स ऑफ द हॉट एंड ड्राई कालाहारी डेजर्ट, इसमें आता है बुशमैन। रेजिडेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास एरियाज, इसमें आता है मसाई एंड बद्दू। फिर आता है रेजिडेंट्स ऑफ सम टेम्परेचर ग्रासी ये ग्रास एरियाज, इसमें आता है कालाहारी डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है,
अफ्रीका के अंदर है। और ये टुंडा टेडी ट्रीज के अंदर ये रहते हैं। टुंडा टेडी ट्रीज क्या होती है आपको पता ही है। टुंडा टेडी ट्रीज एक बर्फीला एरिया है जो कि यहाँ पर कैनेडियंस में रहती है, एस्किमो है ना, ये ग्रीनलैंड, साइबेरियन इन, और जहाँ पर मंगोल है ना, इन एरियाज में ये रहते हैं। और फिर आता है, नेक्स्ट आता है ये ग्रासी में आ गया, ये बुशमैन आ गया, कालाहारी डेजर्ट और इनएक्सेसिबल हिलीज और एरियाज में जो रहते हैं वो गोंड आ गया, भील आ गए, मीना आ गए, नागा आ गई और संथाल। ये जो ट्राइब्स है ये ऐसे एरियाज में रहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है कि मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर रहती है, तो आपको पूछ सकते हैं। पोलर एरिया में कौन सी ट्राइब्स रहती है, इक्वेटर के आसपास कौन सी ये ट्राइब्स रहती है, हॉट और ड्राई कालाहारी डेजर्ट में कौन सी है, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल ग्रास एरियाज के पास में कौन सी है, ये इस तरीके से, ठीक है, और इनएक्सेसिबल ये हिल एरिया में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है एस्किमोज, ठीक है। काफ़ी बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये आर्कटिक स्टेट यानी ह्यूमन बींग्स इन द आर्कटिक स्टेट आर स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये लोग आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी प्रारंभिक अवस्था में रह रहे हैं। जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही आज रह रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ये अपनी ये लिविंग हुड यानी अपने जीवन जीने का ये इनका संग्रहण करके आजीविका का मुख्य आधार है। लिवलीहुड, एस्किमोज लिटरली मीन रॉ मीट ईटर यानी कच्चा मांस खाने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एस्किमो शब्द, डिफाइन एस्किमो, तो आपको लिखना है रॉ मीट ईटर्स। एंड रेजिडेंट ऑफ द स्नोफील्ड रीजन्स यानी जहाँ बर्फीला एरिया होता है वहाँ जाकर के ये लोग रहते हैं, ठीक है। एस्किमो ट्राइब्स बिलोंग टू द मंगोल्स स्पीसीज। एस्किमोज फेस इज फ्लैट एंड वाइट यानी इनका फेस कैसा होता है, ये लोग किस तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये लोग मंगोल जाति से रिलेटेड होते हैं और इनका चेहरा सपाट और थोड़ा चौड़ा होता है और इनका स्किन कलर येलो विज ब्राउन होता है, हेयर इनके ब्लैक होते हैं और इनकी स्टिफ नेक होती है, नोज फ्रोजन होती है और आईज जो ब्राउन और गॉर्जियस होती है और जबड़ा थोड़ा हैवी होता है, जॉ थोड़ा हैवी होता है और ये लोग बॉडी से कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रांग एंड मसल्स आर इनकी हैवी। मसल्स कैसी होती है इनकी, भारी होती है, नोज इनकी फ्रोजन होती है, चपटी होती है, ठीक है, और कद इनका मीडियम, हाइट थोड़ा कम ही होती है, मीडियम और कम होगी, बाल थोड़े भूरे बद्दे काले से बद्दे होते हैं और चेहरा थोड़ा सपाट और चौड़ा होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर हाउस रेजिडेंस यानी ये इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, कैनेडा है, ग्रीनलैंड है और आर्कटिक ये टुंडा टेरिटरीज है ना, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अलास्का और कैनेडा और ग्रीनलैंड नॉर्थ साइबेरियन रीजन में ये लोग रहते हैं। और किस तरीके से ये अपना जीवन यहाँ बिताते हैं, बर्फीला एरिया होता है और वहाँ पर ये रेंडियर भालू है ना, वेल मछली, वाई ये सील, ये जो लॉयन होता है और ये जो होते हैं क्या कहते हैं इसको, मॉस होते हैं, बियर होता है, पोलर बियर होता है, लैम्स होते हैं, रैबिट होते हैं, ठीक है, और ये इन जानवरों से परिचित होते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। इनकी टोटल पॉपुलेशन 10 लाख होती है एस्किमोज की। और ये लोग, ये देखो मैप दिखाया गया है 2.1 में, ये मैप आपको देखो यहाँ जो डॉट 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 बता रखा है ग्रीनलैंड, ये देखो कैनेडा के जस्ट ऊपर है ना, हडसन बे के पास में ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एस्किमोज रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बर्फीली आंधी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ, ये
क्या कहते हैं इसको, बर्फीले तूफान, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो ये पेड़ों को, और आंधी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीली आंधी आती है, बहुत ज़्यादा लंबी। विंटर ऋतु बहुत लॉन्ग होती है, समर ऋतु बहुत शॉर्ट होती है, और पूरे वर्ष भर टेम्परेचर बहुत हाई लो रहता है, और बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और ये लोग शिकार करके अपना जीवन यहाँ पर करते हैं। तो अब इसमें छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस लिखना है। पहले तो आपको मैप शो करना है, इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे सीज़न कौन सी ज़्यादा रहती है, तो समर सीज़न, ठीक है। और कौन कौन से एनिमल से ये लोग परिचित होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी में बता चुके हैं क्या करते हैं ये लोग, हंटिंग करते हैं, ठीक है। इनके दो तरह की हंटिंग होती है ना, माउपाक और इतुरपाक, ठीक है। माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, वेट करते हैं वो, वहाँ पे दो होल बनाते हैं, एक होल में ये माउपाक के अंदर एक होल होता है, उस पर हड्डी रखते हैं, बोन रखते हैं, जैसे ही फिश आती है हारपून से उसका शिकार कर दिया जाता है। इतुरपाक में दो होल होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, एक में उनका मछलियों का चारा डाला जाता है, दूसरे में हारपून से शिकार किया जाता है, ठीक है। इनका फूड क्या होता है, रॉ मीट खाते हैं ये लोग, ठीक है। सील मछली खाते हैं, वेल खाते हैं, सी लायन होता है, और ये लोग इस तरीके से अपना जीवन या करते हैं। कपड़े ये बहुत कम पहनते हैं, और जो पहनते हैं वो जानवरों की खाल होती है उसी से पहनते हैं। और रेजिडेंस जो होता है इनका कैसे होता है, आइस हाउस होते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर्मक क्या है ना, कर्मक, कयाक, ठीक है, ये वाले मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्मक क्या है, कयाक क्या है, और ये इतुरपाक क्या है, इनके बारे में आगे डिस्कस हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।